आपने गोलगप्पे में आलू खाया होगा, आपने घूगनी खाई होगी, पाइनएप्पल, केले और टमाटर। टमाटर भाई साहब मजाक हो रहा है। अब कुछ लोग होते हैं पाइनएप्पल चाट में, मैं नहीं खाने वाला भाई साहब, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो दूध में से मैं मलाई निकालता हूँ, मेरी तो मलाई हमेशा टूट टाट जाती है, पूरी साबुत निकल ही नहीं पाती। पहले तो इससे स्टार्ट करेंगे, मारवाड़ी काबुली से। मारवाड़ी काबुली What do we have in the house? गुलाब जामुन, हाँ, खट्टे की चटनी। कलाकंद जैसा लग रहा है ये। हाँ वैसे ही है पर अलग है थोड़ा, बढ़िया होता है ना। हाँ सिलाई बना हुआ है। 20 रुपीज़ ही। 20 रुपीज़। चतुर्भुज रमेश चंद्र, और यहाँ पे आप कुछ चतुर्भुज रमेश चंद्र की रसगुल्लों की कहानी बता रहे थे ना कुछ? रसगुल्ले नहीं, गुलाब जामुन। ओ सॉरी, गुलाब जामुन। यहाँ चतुर्भुज की बहुत सारी है लेकिन मेन यही फेमस है, चतुर्भुज रमेश चंद्र ही फेमस है। ठंडा ठंडा गुलाब जामुन, और ये माना जाता है जोधपुर का सबसे मशहूर गुलाब जामुन है। इसको खाना अलाउड नहीं है, आप मीठा नहीं खा सकते। मीठा नहीं खा सकते। काफ़ी मलाईदार सा टेस्ट आ रहा है, जैसे हम लोगों ने वो रबड़ी खाई थी ना, बिल्कुल वैसा सा कुछ कुछ टेस्ट आ रहा है। जोधपुर में आओगे आप ये गुलाब जामुन खाओगे वो लगेगा ये तो एकदम रबड़ी जैसा है। ये तो बिल्कुल ही मेरे को वो कलाकंद जैसा लग रहा है। पर टेस्ट बिल्कुल कलाकंद जैसा ना, कलाकंद जैसा टेस्ट नहीं है इसके, और इसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट मेरा जो फेवरेट यहाँ पे रह रहा हैंड्स डाउन गुलाब जामुन। वीडियो की बहुत ही वियर्ड शुरुआत करी है हम लोगों ने। यूजुअली लोग मीठा एंड में दिखाते हैं, हम लोगों ने मीठा पहले दिखाया क्योंकि जोधपुर में रिवाज है मीठा पहले खाते हैं, ऐसा कुछ रिवाज है मेरे को जोधपुर वाले बता रहे हैं। तो खम्मा घाड़ी जोधपुर से शूट कर रहे हैं, जोधपुर के अंदर आपको पता चल ही गया होगा, ब्लू ब्लू सी दीवारें हैं, पीछे की दो वीडियो से भी पता चल गया होगा। हम लोग निकले हुए हैं, शाम का टाइम हो रहा है, कुछ मीठा खाने, कुछ चटपटा खाने, कुछ तीखा खाने। अब चलते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जोधपुर पधारे हैं, पधारो मारो देश। क्या प्योर ये मावा जो होता है ना, मावा हम खुद बनाते हैं। तो उसको भूनते ज़्यादा देर तक? नहीं नहीं, भूनने का नहीं है, मावा तो वही होता है। अच्छा तो वो आपका मावा रहता है तो आप खुद बनाते हैं, तो उससे काफ़ी देसी मावा हम खुद बनाते हैं। हाँ और देसी घी के। अच्छा घी भी देसी है, मावा भी देसी है। अच्छा और रोज का रोज बनाते हैं। ये अभी हम प्रॉपर आ गए हैं कटला बाजार के वाले, कटला बाजार के ऊपर, कटला बाजार के चौक पे हम लोग विजय रेस्टोरेंट में हैं, कुंज बिहारी मंदिर के सामने। कुंज बिहारी मंदिर के सामने, मंदिर का भी द्वार बंद है। हम लोग तब तक खाने वाले हैं कबूली और मलाई रोटी। कबूली और मलाई रोटी। तो ये विजय रेस्टोरेंट का मेन्यू है, यहाँ पे हमारे पास है मलाई मेवा रोल, मलाई रोटी। मलाई रोटी खाने वाले। अच्छा स्पेशल कबूली, तो एक तो स्पेशल कबूली, इसको क्या कहते हैं, कबूली क्योंकि इसको हम लोग कबूल करते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर एक स्पाइसी सी ग्रेवी डाली हुई और पनीर के क्यूब्स हैं और नींबू साथ में लेनी छोड़ने ओ और अच्छा है। सो दिस इज़ लाइक अ बिरयानी क्योंकि इसके अंदर स्टैकिंग भी करी हुई है, मतलब जो आपके प्लेन राइस है मतलब स्टैक्ड है पूरा। हाँ ये मलाई रोटी और ये प्रेम प्याला। तो अगर आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पूरी में एक मलाई पूड़ी की खोज करी थी, पापोड़ी करके एक चीज़ थी जो मैंने आपको पूरी में दिखाई थी, वैसा सही कुछ है। तो बेसिकली ये मलाई की लेयर है, मलाई की लेयर, पूरी पूड़ी मलाई की है। हाँ तो पूरी पूड़ी मलाई की है, तो इसको बेसिकली दूध मतलब अच्छे से बॉईल करा, फिर उसके ऊपर मलाई जम गई, उसको पूरा एज इट इज़ मलाई निकाल ली और उसके ऊपर ये आई थिंक केसर डाला हुआ है और पिस्ता डाला हुआ है और सैफरन डाला हुआ है और वो पूरा ऐसे मतलब काफ़ी स्टाइल से उसको सर्व करा हुआ है ताकि आपको दिखे कि मतलब हार्डवर्क इसमें दिखे, क्राफ्टमैनशिप। और ये क्या चीज़ है? ये प्रेम प्याला। ये प्रेम प्याला क्या होता है? बेसिकली फ्रूट क्रीम जैसा होता है ये, लेकिन फ्रूट क्रीम से ज़्यादा अच्छा होता है, मेवा क्रीम और फ्रूट क्रीम इसके अंदर। अच्छा तो इसमें मेवा क्रीम और फ्रूट क्रीम है, या आप फ्रूट्स देख सकते हैं, मेवा क्रीम फ्रूट क्रीम, मेरे को ड्राई फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, काफ़ी मतलब लोडेड चीज़ है ये। हम स्टार्ट करते हैं जी, पहले तो इससे स्टार्ट करेंगे, मारवाड़ी काबुली से। मारवाड़ी काबुली, चलो तुम भी स्टार्ट करो। तुम कैसे, नींबू के साथ खाते हो कि नहीं खाते? नहीं मैं नींबू कम खाता हूँ लेकिन इसके अंदर खटाई अच्छी लगेगी आप। खटाई अच्छी लगेगी। तो मारवाड़ी लोग जो है ना थोड़ा खट्टा खाना थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं, तो इसके लिए ना यहाँ पे नींबू है। अगर आप थोड़ा खट्टा खाने के शौकीन हैं तो आप नींबू डाल सकते हैं। पहले तो हम फिलहाल बिना नींबू के स्टार्ट करेंगे, इसमें
ये क्या है, गट्टा है? गट्टा है। अच्छा गट्टा है, इसके अंदर पनीर है, इसके अंदर काजू है और किशमिश को क्या बोलते हैं मारवाड़ी? डाक या दक्ष? दक्ष। तो दक्ष है इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें, ट्राई करते हैं। बहुत शानदार। जैसे कहते हैं ना गोल्डन ब्राउन अनियन से एकदम, और गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है, पूरा गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है, मसाले एकदम बढ़िया। ये फिलहाल मेरे को लग रहा है कि ये 80 रुपीज़ इसका प्राइस है। 80 रुपीज़ में आप सोच रहे हो छोटी सी प्लेट है, बट इसके अंदर गट्टे हैं, इसमें पनीर है, इसमें काजू है, किशमिश है, मसाले हैं और बासमती चावल एकदम बढ़िया वाला टुकड़ा, मतलब फुल पैसा वसूल। ओह माय गॉड, दिस हैज टू बी अमेजिंग। दिमाग ख़राब करने वाली बिरयानी, मतलब खाओगे ना आप सोचोगे कि मैंने आज तक क्या खाना खाया। अच्छा खाने की तो आप भूल ही जाओगे कि मैंने कोई अच्छा खाना खाया। अब हम लोग ये ट्राई करते हैं, फ्रूट क्रीम नहीं, ओह ये प्रेम प्याला है। मैंने पहली बार ली, क्रीम आई मेरे को, रबड़ी आई मेरे को, आई थिंक किशमिश आई और मेरे को कोई तो फ्रूट आया, आई थिंक सेब आया। एक ही बाइट में 4-5 चीज़ें आ गए पहली बाइट में। मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसलिए। मलाई पूड़ी तो क्या क्या चीज़ें हैं यार। खुरचन जैसा, एक तरीके से आप सोचोगे तो एक तरीके से खुरचन ही है। खुरचन होता है दूध का मलाई बना के उसका लेयर के ऊपर लेयर, तो इसमें वो लेयर के ऊपर लेयर ना करके वो पूरी मलाई ऐसे निकाले, जितना तो उतना ज़्यादा उबाला इसको। अच्छा मैं कभी भी कोशिश करता हूँ ना ये सब करतब करने की, तो दूध में से मैं मलाई निकालता हूँ, मेरी तो मलाई हमेशा टूट टाट जाती है, पूरी साबुत निकल ही नहीं पाती। आई डोंट नो हाउ दीज पीपल डू इट मैन। मज़ेदार ना एकदम, फुल फ्लेवरफुल। ये तो मेरा मन कर रहा है कि और खा लो, बहुत टेस्टी है ये, इसकी एक बाइट में 10-12 चीज़ें आ जाएंगी। देखो मलाई का इतना बड़ा टुकड़ा भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई आ गए हम लोग आज के दिन की आखिरी जगह पे, आगरा चाट .com। डिजिटल इंडिया का ज़माना है भाई, वेबसाइट्स बना रहे हैं। दुकान का नाम है आगरा चाट वाले और नीचे उनके बोर्ड पे है आगरा चाट .com। हम लोग यहाँ पे खाने हैं, बहुत ही फेमस इनका है घेवर चाट। तो ये इनकी रेट लिस्ट है, आप वीडियो पॉज करके इनकी रेट लिस्ट देख सकते हैं। आटे के बताशे 20 के 8, सूजी के 20 के 5 और हमारे को क्या खाना है, घेवर चाट का है, लेवर चाट 60 रुपये प्लेट। अब तुम्हारा टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट होता है ना जैसे, हाँ हाँ, तुम्हारा पर्सनालिटी टेस्ट है। आटे वाले गोलगप्पे पसंद है सूजी वाले? मुझे सूजी वाले। तुम पास हो गए, तुम दोनों की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, बोल्ड पर्सनालिटी सर। मीठा मत डालना मेरे। जोधपुर का पहला बताशा, हम तो वैसे घेवर चाट खाने आए थे पर गोलगप्पे खा के सब पिघल जाते हैं तो हम भी पिघल गए। फिलहाल तो ये ठीक है बट इससे भी बढ़िया मिलते हैं, बट गोलगप्पे घेवर चाट पे फोकस करते हैं। ओ दही वाला, क्या है ये दही वाला बता, सबसे लास्ट का सबसे बेस्ट बतासा यही है। अच्छा दही वाला बतासा, ये इनका सबसे बेस्ट बतासा है दही वाला, लास्ट पर मिलता। एक्सप्लोजन ऑफ फ्लेवर्स, मज़ा आ गया इसमें। आई थिंक पाइनएप्पल भी डालते हैं, पहली बार गोलगप्पे में पाइनएप्पल खा रहा हूँ। पाइनएप्पल, केले और टमाटर। आपने गोलगप्पे में आलू खाया होगा, आपने घुघनी खाई होगी, आपने पता नहीं क्या क्या खाया होगा, पाइनएप्पल, केले और टमाटर। टमाटर भाई साहब मजाक हो रहा है,
बहुत कमाल का। मैं तब से सोच रहा हूँ क्या टेस्ट आ रहा है, फिर अभी रियलाइज हुआ ये तो पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल लोगों को पाइनएप्पल पिज्ज़ा में डाइजेस्ट नहीं होता, ये गोलगप्पे में चेप रहे। agrachaat.com डिजिटल इंडिया भाई। भैया थोड़ा पानी पिलाना। वैसे वो घेवर चाट के लिए मैंने पूछा पाइनएप्पल गोलगप्पे में डाल दे, कह रहे हाँ डाल देते हैं, जिसको मर्जी होती है डाल देते हैं। बड़े ना प्यार से खिलाते हैं जोधपुर के लोग ना, बड़े हॉस्पिटैलिटी, पूरा राजस्थान अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिया घेवर चाट, इसके अंदर घेवर लिया उन्होंने, उसके ऊपर अपना वो पाइनएप्पल, चने, केले, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एकदम फ्रेश सैलेड टाइप सा डाला उसके ऊपर। उसके ऊपर उन्होंने दुनिया भर की चटनियाँ डाली, जीरा डाला, सेब डाले, प्याज डाले, पुदीना, फलाना ढिमकाना। प्राइस है इसका 60 रुपये, तो गोलगप्पे हम लोगों ने कहे थे 20 रुपये के 5 पीस मात्र। चलो लेट्स स्टार्ट ईटिंग। ओके जी, लेट्स स्टार्ट जी। पाइनएप्पल से इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है ना, मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे को ना पाइनएप्पल हर चीज़ में पसंद है। जिनको पसंद है ना उनको बहुत पसंद आने वाला है। और पाइनएप्पल फ्रेश वाला लिया है वो? फ्रेश पाइनएप्पल, हाँ, कैंड नहीं है ये। देखो पता क्या होता है, एक होते हैं एडजस्ट करने वाले लोग, ऐड नहीं देगी भाई साहब थोड़ा एडजस्ट कर लो। डोमिनोज ने पहली बार स्टार्ट किया था अपने पिज्ज़ा में पाइनएप्पल डालना, तब हम जैसे लोग आगे आए थे, हमने बोला था भाई साहब थोड़ा एडजस्ट कर लो ना प्लीज़, पाइनएप्पल खा लो ना पिज्ज़ा में। अब वो खाते खाते वो पाइनएप्पल चाट तक पहुंच चुका है भाई साहब, थोड़ा और एडजस्ट कर लो ना, चाट में खा के देखो ना आपको पसंद आएगा, शायद पसंद आ जाए। अब कुछ लोग होते हैं पाइनएप्पल चाट में मैं नहीं खाने वाला, तरक्की नहीं होगी। इतने सारे इसमें मसाले हैं, स्पाइसी नहीं है, टमाटर, काबुली चने, पाइनएप्पल, घेवर तो एकदम घुल सा गया है, एप्पल भी है, मतलब बहुत फ्रेश है, दही से एकदम ना, दही चटनियों से एकदम फ्रेश हो गया, इन फ्रूट्स वगैरह डालने से एकदम हेल्दी सा हो गया, घेवर डालने से एकदम राजस्थानी हो गया और चाट खाने से एकदम चटपटा सा हो गया। ऐसी फिजूल की बातें और अच्छा खाना और गंदे जोक्स करते हैं वेजी पाजी के साथ जोधपुर में। अगली कुछ वीडियोस में आप लोगों के साथ साथ बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आप वो इंसान हैं जो पाइनएप्पल पसंद करते हैं, किसी भी चीज़ में थोड़ा एडजस्ट करते हैं आप कि नहीं। ये बहुत ही गहरी चर्चा का विषय है, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे हम कमेंट सेक्शन में आप लोगों के साथ। जो लोग पाइनएप्पल नहीं पसंद करते उनकी दुष्यंत खबर लेगा, बिल्कुल बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पाइनएप्पल हो ना हो अच्छा खाना आते रहेगा आप लोगों के लिए। मैं तन्मय फ्रॉम वेजी बाजी स्टार्ट को ख़त्म करके निकलता हूँ अभी किसी और बढ़िया खाने की तलाश में, आप लोगों के लिए आपसे बात करता हूँ इस वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन। खम्मा गणी खम्मा गणी सा खम्मा गणी सा।